नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पोरलैक पाउडर के बारे में, जो कि बच्चों के दस्त को रोकने के लिए काफ़ी अच्छी और जानी मानी पाउडर है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसे बच्चों को देने से क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, और इसकी डोजेज के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्पोरलैक पाउडर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, बात अगर जो है स्पोरलैक पाउडर की करें तो इसे जो है सेंजाम नाम की कंपनी बनाती है, और इसमें जो है लैक्टिक एसिड बैसिलस दिया होता है, जो कि एक प्रोबायोटिक पाउडर होता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर अपना काम करता है। दोस्तों, ये एक सैचेट होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है बच्चों के लिए ही किया जाता है। इसकी एक टेबलेट भी आती है जिसका उपयोग जो है बड़ों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। तो फिर इसका मुख्यतः उपयोग जो है दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। यदि जो है किसी बच्चे को जो दस्त हो रही है, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के कारण हो रही हो या किसी भी वजह से हो रही हो, तो ये पाउडर जो बच्चों को दिया जाता है तो उन्हें जो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कई बार जो आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण बच्चों को दस्त होने लगते हैं तो भी वो पाउडर दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे को जो है दूध से एलर्जी है, गाय के दूध से एलर्जी है, किसी बच्चे को दूध पीते ही उसे जो है उल्टी या दस्त की शिकायत हो जाती है, तो उस समय यह स्पोरलैक पाउडर देने से उसकी ये एलर्जी दूर हो जाती है और वह अपने आप से यह दूध पी लेता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को जो है ट्रेवलिंग डायरिया करके बीमारी हो जाती है, जिसमें जो है उसे बच्चा जाकर यात्रा करता है तो उसे जो है दस्त की शिकायत हो जाती है, तो उस कंडीशन में यह पाउडर डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ यूजेज। हो सकता है डॉक्टर अपने हिसाब से और भी कई बीमारियों में इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, फिर भी अगर किसी बच्चे को जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट से उसे जो है गैस बनना, पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना, उल्टी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई अनवांटेड इफेक्ट दिखता है तो उसे जो है सैचेट को पिलाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें, जहाँ से उसको जो है फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों, इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये 1 ग्राम का पाउडर ही आता है और ये सिंगल डोज होती है, जिसे जो 15 ml पानी में मिलाकर या फिर किसी जूस वगैरह में मिलाकर दिया जाता है। दोस्तों, इसकी जो सामान्य डोज होती है वो 1 सैचेट होती है, दिन में 1 बार देनी होती है। अगर किसी बच्चे को जो है ज़्यादा परेशानी होती है तो उसकी डोज जो है बढ़ाकर उसे 3 दिन या 7 दिन भी कर देनी होती है। इसकी डोज के बारे में जो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पोरलैक पाउडर का रिव्यू। अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फ्रेंड्स, एंड वंदे मातरम।